इवनिंग दीपक जी। जी यस मैम। तो पहले तो आप हम सबको ये बताएं कि ये 3D कैलीग्राफी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जो उत्सव ग्रुप के सारे मेंबर हैं और जो सारे मेंबर जिन्होंने अभी समय दिया है, ओके, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग ने ये सेशन ज्वाइन किया है। और ये मेरे लिए एक और रितु जी के साथ में दूसरा मौका है इंटरेक्शन करने का। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा 3D कैलीग्राफी का, तो 3D कैलीग्राफी में इसका जो आर्ट वर्क मेरा रहता है 3D कैलीग्राफी, तो स्पेशली जो कैलीग्राफी पोर्शन होता है, जैसे हम लोग अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फाबेट को अगर मैं 3D की तरफ लेकर जाता हूँ, जनरली हम लोग जो अल्फाबेट देखते हैं वो 2D फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में। नॉर्मली हम लोग जो कैलीग्राफी करते हैं वो वैसी नजर आती है, लेकिन अगर उन्हीं अल्फाबेट को हम लोग 2D से 3D की तरफ स्विच करेंगे, जैसे हम लोग उसमें कुछ परछाई वाला पोर्शन अगर ऐड करते हैं, तो शेडो देने से बहुत सारे अल्फाबेट आपको ऐसे नजर आएंगे कि आपने उसको जमीन या पेपर के ऊपर रखा हुआ है। तो आपको अल्फाबेट्स के अंदर एक इल्यूशन टाइप से दिखाई देता है, जिसमें हमें वो ऐसे अपीयर होते हैं कि अल्फाबेट आपको उठे हुए से दिखाई देंगे या सर्कुलर फॉर्म में ऐसे स्पाइरल फॉर्म में नजर आएगा। ओके, अगर अगर हम लोग पेपर को फोल्ड करें तो कई बार हमको उसका जो व्यू रहता है वो इतना इल्यूजन और इतना रियलिस्टिक नजर आता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अल्फाबेट जमीन के ऊपर और वॉल के ऊपर बीच में टिके हुए हैं, जैसे हम लोग एक लैडर को देखते हैं। ओके, तो ऐसे अलग अलग रूप में हम लोग अल्फाबेट को डिफरेंट फॉर्मेट में डिजाइन कर सकते हैं, और वही है 3D कैलीग्राफी। जी ओके दीपक जी, थैंक यू जी। तो ये 3D कैलीग्राफी का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे हम आर्ट वर्क में इसको यूज कर सकते हैं? राइट, देखिए जैसे अगर आपने अभी हम लोग देखते हैं 3D आर्ट की बात करते हैं, ओके, तो वैसे ही शुरुआत अगर हम लोग अल्फाबेट से करेंगे तो अल्फाबेट की सबसे अच्छी खासियत क्या रहती है कि बचपन से अल्फाबेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं। ओके, उसका किसी भी अल्फाबेट का अगर स्ट्रक्चर मुझे बनाना है तो बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे माइंड में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है कि अल्फाबेट ए कैसा बनेगा, बी कैसा बनेगा। तो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है ये बच्चों को, जो छोटे बच्चे जैसे सपोज 8 साल की उम्र का कोई बालक है, तो वहां से अगर हम लोग इसकी शुरुआत करें तो वो भी आसानी से ये 3D कैलीग्राफी जो है उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और उनकी जैसे स्कूल लाइफ हुई या फ्यूचर में अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का जो जॉब है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, पिछले करीब 2009 से मैं जॉब कर रहा हूँ, और जो मेरा फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड है, तो उसी में मेरा जॉब है एज अ लेक्चरर। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे जो करते हैं, अगर वही चीज़ें हम लोग जो छोटे बच्चे हैं 7-8 ईयर के, उनके माइंड में अभी से अगर इंट्रोड्यूस करें अल्फाबेट्स के फॉर्म में, फ्यूचर में जाके जैसे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बजाय अगर अल्फाबेट से शुरुआत करें तो उन्हें अल्फाबेट्स को 3D रूप देने में उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर वो अल्फाबेट्स को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो बाद में उन्हें ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने में या किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने में उनको बहुत आसानी होती है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बड़ों के लिए भी है, और उन सभी के लिए है जो इससे अभी तक जिन्होंने इस 3D कैलीग्राफी में काम नहीं किया, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, और जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कई शहरों में वो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसे भी आपने 3D डिजाइन किया है। वो भी लगभग क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया जैसे अल्फाबेट से अगर हम लोग शुरुआत करें तो अल्फाबेट से हमें ये लॉजिक समझ में आता है कि जैसे हमने अल्फाबेट को 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम लोग कहीं पर भी इस टाइप के ड्राइंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं रोड के ऊपर 3D जेब्रा क्रॉसिंग बनाऊं या फिर रोड के ऊपर मैं कोई दूसरी ड्राइंग डिजाइन करूं, सभी के पीछे जो लॉजिक होता है वो वही होता है 3 एक्सिस का, एक्स वाई और जेड। हमें एक परछाई को दिखाना होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने साथ में अगर परछाई को लेके चलेगा तो हमें वो 3D फॉर्म में नजर आएगा, उठा हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ रियलिस्टिक है, रखा हुआ है। ओके, तो हमें उसको 2D से 3D में कन्वर्ट करना होता है। वो प्रैक्टिकली मैंने 3D कैलीग्राफी से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बाद में मैंने जो ऑब्जेक्ट भी डिजाइन किए तो सभी में लगभग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और ऐसे हम लोग अलग अलग 3D कैलीग्राफी से ब्रश पेन कैलीग्राफी की तरफ स्विच किया, फिर हम लोग जो भी ड्राइंग होती है उन सभी में ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके
बच्चों को, बड़ों को, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए, आर्किटेक्चर में हो गए, ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग में हो गए, फैशन डिजाइनिंग में हुआ, और जो स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं और वो काफी अच्छा लगता है। तो बेसिकली इसमें ये समझ में आया कि जो खेल है वो शैडो का खेल है। हाँ, खेल जो है वो शेडो का है। ओके, हमें क्या करना है, जैसे हम अभी एक रियल लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही अल्फाबेट्स को भी हमें एक ऐसा एक जीवंत वाला फील कराना है कि ये रियल है और ये आपको पेपर के ऊपर ऐसा उठा हुआ नजर आ रहा है। बस कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भी हम लोग अल्फाबेट बनाए तो वो ऐसा कुछ फील हो कि कुछ रखा हुआ है उसके पेपर के ऊपर या सर्कुलर फॉर्म में है, उसे एक शेडो देना है बस। और यस, आवाज सभी को आ रही है क्या? हाँ जी, जी, यस मैम। ओके, तो ये मेरी शुरुआत जो हुई थी, अगर मैं 3D कैलीग्राफी की बात करूँ तो मैंने इसकी शुरुआत 2016 में की थी, अप्रैल मंथ से इसकी शुरुआत की थी, और उसके पहले 2015 में, 2015 में मैंने एक मुकबधिर स्कूल विजिट किया था, शायद फरवरी मंथ होगा, और वहां पर मैंने देखा था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो बोलने में सुनने में असमर्थ है, लेकिन उनका जो आर्ट वर्क था वो बहुत ही अच्छा था और उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर काम किया था। शायद उस टाइम पर मुझे भी इतना डिटेल में इन चीजों के बारे में नहीं पता था। ओके, तो फिर उनका जब मैंने काम देखा, अलग अलग शहरों से आए थे, वहां पर एक एग्जीबिशन लगा था हमारे इंदौर शहर में, और अलग अलग शहरों से वहां पर स्टूडेंट्स का एग्जीबिशन लगा था ड्राइंग का, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल ड्राइंग्स बनाए थे, और उस टाइम पर मुझे जो आता था वो 3D ड्राइंग में मेरा वर्क था। मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को रखकर बनाता था, कोशिश यही रहती थी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उसको उसी रूप में बनाया जाए, जैसे हम लोग किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो 2D में होता है। ओके, तो कोशिश हमारी ये रहती थी उस टाइम तक कि जो ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ वो पूरी तरह रियलिस्टिक पेपर के ऊपर रखा हुआ नजर आए। तो फिर मैंने वहां के जो बच्चे थे उनके लिए ये सोचा कि शायद मैं इनके लिए कुछ एक वर्कशॉप रखूँ, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। एक वर्कशॉप मैंने वहां पर भी प्लान किया था बच्चों के लिए, वो फ्री में था, लेकिन उनसे मुझे सीखने को बहुत मिला बच्चों से, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी काम की अगर शुरुआत करनी है तो आप टीचिंग से करो, अगर आप कोई सिखाएंगे तो आपका काम और बेहतर होगा, वो आपके दिमाग में अमर हो जाएगा, आपको कभी भी उस काम के लिए और अगर लगाव बनाना है तो आप उसको टीचिंग में शामिल करो, तो उसमें आपको और इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। तो ये मेरे साथ एक बेनिफिट रहा, तो मैंने उसको जो 3D कैलीग्राफी था उसको टीचिंग में स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, और फिर 2016 में जैसे मैंने आपको बताया मैंने अपने शहर में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में जो मुझे फेसबुक से और जो हमारे सोशल मीडिया से जो स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी, मैंने खैर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस ड्राइंग फील्ड में मैं आऊँगा, लेकिन वहां से मेरी शुरुआत ही मुंबई शहर में थाने में मैंने पहला वर्कशॉप रखा था, इंदौर शहर के बाद में मेरा जो दूसरा आउट ऑफ स्टेट जो वर्कशॉप था, और वहां से मुझे शुरुआत में एक अच्छा ग्रुप मिला स्टूडेंट्स का, वो सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट थे उसमें, इवन वो मेरा जो पहला क्लास 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 जो था उसमें करीब 9 ईयर से लेकर 80 ईयर तक के लोग शामिल थे, और ऐसे धीरे धीरे स्टूडेंट से स्टूडेंट बढ़ते चले गए, एक शहर से दूसरे शहर, और फिर वो धीरे 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 धीरे, और अभी तक करीब ऐसे 10,000 से ऊपर लोग लगभग हो चुके हैं, तो काफी अच्छा सफर रहा मेरा अभी तक। जी ओके, जी तो आप हमें थोड़ा सा दिखाएंगे कुछ आर्ट वर्क इस टाइप से जो राइट 3D में, जी, थोड़ा व्यूअर्स के लिए। हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3D कैलीग्राफी जो होता है, हमें अल्फाबेट्स को कुछ ऐसा दिखाना होता है कि वो पेपर के ऊपर रखे हुए नजर आए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मैंने जो शेडो अप्लाई किया है, ओके, इस शेडो के कारण आपको ऐसा लगेगा कि ये अल्फाबेट पेपर के ऊपर मैंने इसको अटैच करके रखा हुआ है, ये उठा हुआ ऐसा नजर आए। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा मेन होता है, और इसमें जो मेन इसका जो लॉजिक रहता है वो 3 एक्सिस के ऊपर काम करता है, अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो 2 एक्सिस, ये 1, 2 एंड 3, ओके, तो जो उठा हुआ पोर्शन है वो हमारा थर्ड एक्सिस होगा, राइट? तो इस टाइप से आप देखेंगे ये अल्फाबेट आपको पेपर के ऊपर उठे हुए से नजर आएंगे। ओके, और यही जो सेम 3D कैलीग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं किसी दूसरे टूल का यूज करते हुए भी, आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये ब्रश पेन कैलीग्राफी, और ये ब्रश पेन कैलीग्राफी में आपको ये जो मैंने डिफरेंट वर्ड लिखे हैं ये आपको उठे हुए से नजर आएंगे। कंडीशन ये रहती है कि जब भी हम लोग
किसी भी ड्राइंग को देखें तो उसको सही एंगल से आपको देखना है। अगर हम लोग एक सही एंगल से देखेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्ट उठे हुए से नजर आएंगे। ओके, तो 3D में इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। इवन कोई सा 3D म्यूजियम भी होता है तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर पोजिशन से ही सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए या ड्रॉइंग जो होती है वो असल में रखी हुई नजर आती है। तो यही लॉजिक है इसके पीछे। तो जैसे ये हमने ब्रश पेन कैलीग्राफी में बोला, इससे अलग अलग से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस ड्रॉइंग को अगर मैं देखूं तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर से अल्फाबेट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ओके, ये जनरली ये 2D है, 2 डायमेंशन। अगर इसको हम लोग फ्रंट से देखें तो इसमें दो ही दिशाएं नजर आएगी, एक्स और वाई। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर राउंड शेप में दिखाऊं, आपको ऐसा घुमा कर दिखाऊं, तो इसमें इसका जो तीसरा एक्सिस है, जेड एक्सिस, उसी जेड एक्सिस के कारण ये अल्फाबेट आपको इस पेपर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे। या आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर से सारे अल्फाबेट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ओके, तो ये लॉजिक रहता है। और छोटे बच्चों के लिए आजकल एक अच्छी बात ये है कि हमारे पास में मोबाइल फोन्स हैं, और उसको जो भी आर्ट वर्क हम लोग बनाते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, और ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और साथ में उनके आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो जो भी अगर मैं 3D कैलीग्राफी में या इस टाइप से 3D ड्राइंग अगर मैं कुछ दिखाता हूँ तो वो और अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया के। जी के यस मैम, पार्टिसिपेंट नाउ यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। ओ सर, आप हेलो। यस डेमो मैम, दे जी सकते हैं सर, आप मैम, इसके डेमो लिए। तो डेमो का मैं अभी डेमो के लिए प्रिपेयर नहीं था, एक्चुअली एक इंटरेक्शन था हमारा जस्ट। तो मेरे पास सारा आर्ट वर्क मेरा जरूर है जो 3D का भी है, और लगभग सभी जो मैं इससे रिलेटेड जो ड्राइंग है वो मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ। ओके सर, मैं आपको एक चीज ये बता सकता हूँ कि ये हम लोग जो अपने 3D पेंसिल कैलीग्राफी में, कलर्स एंड ऑल लेके कि डेमो होगा ओके ओके राइट, तो सर, आपको ये मैं सिग्नेचर में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ, यस मैम, सिग्नेचर में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ कैलीग्राफी। सिग्नेचर में, हाँ जरूर सिग्नेचर में आप जरूर कर सकते हैं। सिग्नेचर अगर आप, इवन सिग्नेचर आप जो करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप थोड़ा नीचे की तरफ, या आपका जो सपोज आपने कोई सिग्नेचर किया, ओके, तो आप अपने जो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन है उधर अगर आप एक शेडो देंगे तो आप जैसे देखोगे आपको ऐसा फ्लोटिंग नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके सिग्नेचर है वो पूरी तरह हवा में ऊपर की तरफ है। सिग्नेचर में तो बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो। आप जब भी सिग्नेचर करें एक पेंसिल से उसी का कॉपी आप नीचे की तरफ बना दें तो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपको ओके सर, शेडो अप्लाई करना है। सर एक सिग्नेचर आप का बस डेमो दिखा सकते हैं, छोटा सा, मतलब सिग्नेचर, कुछ छोटा सा ओके, देखिए एक वर्ड कुछ लिख के। मैं आपको एक सैंपल में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ओके, ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। हाँ, अभी ये जनरली ये प्लेन सरफेस के ऊपर 2D ब्रश पेन कैलीग्राफी से लिखा है, या 2D फॉर्म में है, ओके, 2 डायमेंशन, राइट। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, इसको साइड से थोड़ा देखेंगे तो आपको ये नीचे शैडो आ रहा वाला है, जो राइट। हिस्सा ये पेपर के ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 2 डायमेंशन पे बनाया हुआ है नॉर्मल पेपर के ऊपर। लेकिन जैसे मैं इसको साइड से देखूंगा तो यहाँ पर आपको ये उठा हुआ सा नजर आएगा। ओके, ये उठा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि नीचे मैंने इसके शेडो अप्लाई किया, आप देखेंगे यहाँ पर हल्का सा हाँ, शेडो मैंने बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके, और यही दिख सेम रहा कॉन्सेप्ट आप जब सिग्नेचर करेंगे तो वहां पर भी आपको सिमिलर पैटर्न में, ओके, आप नॉर्मल जो एक 0.5 mm का जो पेंसिल होता है उसकी सहायता से अगर आप शेडो देंगे तो वो आपको सिग्नेचर भी उठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि सिग्नेचर में भी लगभग हमारे कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं। ओके, तो वो आपके ओके ऊपर सर। डिपेंड करता है कि आप किस पोर्शन को उठाना चाहते हैं जमीन से। ओके, वहां पर आपको उसका शेडो देना है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये आसानी से आपको पेपर के ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है सर, थैंक यू सर। सिग्नेचर में जी तो जी सर नीचे शायद अच्छा लगेगा। हाँ, शेडो ही अच्छा लगेगा वो, और बेहतर लगेगा। और इवन आपने जो एक कॉन्सेप्ट दिया सिग्नेचर का, तो वो तो आप पूरी तरह नया भी है,
उसको करेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो शेडो रहेगा वो आपका हल्का कलर हो, ज्यादा डार्क ना हो। ओके, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो शेडो का कलर भी ग्रीन या रेड कलर का दे देते, तो वैसा नहीं करना। आप शेडो जो होगी वो ब्लैक कलर और ग्रे कलर, राइट, तो वो इसी कलर के बीच में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। थैंक यू सर। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता जैसे है? आपको अगर मैं एक और सैंपल दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए तो यहाँ पर ये ड्राइंग जो है आपको एक पेपर के ऊपर, अगर मैं फ्रंट से दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये उठा हुआ इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि नीचे मैंने इसके पैरों के पास में एक शेडो दिया हुआ है, और ये शेडो देने से इसमें थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट बढ़ता है। ओके, अगर मैं ये ड्रॉइंग को नॉर्मल पर बनाता तो वो देखने में उतना अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर शेडो इंट्रोड्यूस किया है हल्का सा, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि पेपर के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई है। ओके, तो जैसे हाँ, तो 3D कैलीग्राफी में हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनकी जगह अल्फाबेट का यूज करते हैं, वर्क से इतना होता है और उनको बनाना आसान भी होता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें आपको शेडो नजर, जैसे आप ये दूसरा ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने साइड से कोई भी शेडो नहीं दिया है, लेकिन ये ड्राइंग ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप देखेंगे, असल में हम लोग कोई पोर्ट्रेट भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी आपको 3D तो देना होता है, जहां पर भी मुझे डेप्थ शो करनी है तो उस पोर्शन को मुझे डार्क बनाना पड़ेगा। अगर मैं डार्क बनाऊंगा तो खुद ब खुद जमीन के नीचे चले आएगा, पेपर के अंदर वो धसा हुआ सा नजर आएगा। ओके, और जिस पोर्शन को मैंने लाइट किया है, जो पोर्शन आपको इस पोर्ट्रेट में लाइट दिखाई दे रहा है जहां पर कलर डार्क नहीं है, वो आपको उभरे हुए नजर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो पेपर के ऊपर उठा हुआ है, और जहां पर मैंने थोड़ा डार्क बनाया है वो पेपर में अंदर धसा हुआ सा नजर आए। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ड्राइंग है उसको हम लोग कैसे 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इसके तो सर वैल्यू से ही इसका 3D आ रहा है, ये कैट जो था। हाँ, वो मैं वही बता रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसका कितना डार्क और लाइट शेडो दे रहे हैं उसके ऊपर। जैसे आप ये देखेंगे ये नॉर्मल सा एक ब्रश पेन कैलीग्राफी है, इसमें भी मैंने साइड में शेडो बनाया है। ओके, और शेडो बनाने से ये पेपर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि उठा हुआ है। अभी आप मेरा हाथ की पोजीशन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसकी ऊंचाई और ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं ये लगभग बराबर है, लेकिन असल में ये एक प्लेन पेपर है। ओके, और ये उठा हुआ सिर्फ इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि आप अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 एक्सिस दिखाई देंगे, एक्स, वाई और जेड। ओके, तो ये 3 एक्सिस आपको ये दिखाई देंगे, इन सभी के पीछे लॉजिक हमारा यही रहता है कि हम लोग इसको तीनों एक्सिस को दिखा पाए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीनों एक्सिस दिखाई देगी, एक्स, वाई और जेड, और साथ में आपको शेडो भी बनाना है। ओके, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि पेपर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो आप जो भी लिखते हैं उसको आप आसानी से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ड्राइंग देखेंगे यहाँ पर, इस ड्राइंग को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी मैंने शेडो का यूज किया है। ये ड्राइंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने शेडो का यूज किया है, ये नीचे की तरफ आपको परछाई दिखाई देगी, राइट? तो ये जैसे मैंने शेडो इंट्रोड्यूस किया तो ये ऑब्जेक्ट हमें पेपर के ऊपर उठा हुआ सा नजर आएगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। तो एक ये बेनिफिट होता है शेडो को इंट्रोड्यूस करने से, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहां पर शेडो अप्लाई करें। ओके सर, आप ये देख सकते हैं ये चीजल मार्कर का मैं हमेशा यूज करता हूँ, आप हाइलाइटर का यूज भी कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का चीजल मार्कर आप यूज कर सकते हैं, इसमें लग्जर का भी होता है, कलर पिक का भी होता है, किसी भी ब्रांड का आप चीजल मार्कर यूज करेंगे, राइट? तो ये बेसिक टूल है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इसको देखेंगे ये जो चीजल शेप है, चीजल शेप से आपको तीनों डायमेंशन को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, अगर आप कोई भी अल्फाबेट देखेंगे तो उसमें ये जो कॉर्नर होता है, देखिए ये जो कॉर्नर दिखाई दिया आपको यहाँ पर, राइट? तो इस कॉर्नर को अचीव करना इससे बहुत आसान हो जाता है।
लेकिन वहीं अगर मैं राउंड टिप का यूज करूंगा तो राउंड टिप को मुझे थ्री डायमेंशन देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, ओके? लेकिन अगर मैं चीजर मार्क का यूज करता हूँ तो ये जो कॉर्नर्स मैं आसानी से अचीव करूंगा, ये एजेस जो दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये चीजर मार्कर जो है, ओके, इससे हम लोग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये बेसिक टूल है। इसके अलावा मैं जो दूसरा टूल यूज करता हूँ वो है ये रोलर स्केल, ओके? तो ये रोलर स्केल, ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये रोलर स्केल एक नॉर्मल स्केल है जिसकी सहायता से हम लोग ये सारे अल्फाबेट्स को पैरेलल फॉर्म में बना सकते हैं और काफी कम समय में हम लोग इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो दो टूल है ये बेसिक है। बाकी जनरली हम लोग ड्राइंग बुक कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, 100 GSM का पेपर हो, ओके, और नॉर्मल जो हमारे पेंसिल इरेजर होते हैं शेडो के लिए हम लोग उसी का यूज करेंगे। जी, आप और भी कुछ? आप सर, ये कितने टाइम का कोर्स है? ये कोर्स जो रहता है, अगर ऑफलाइन कोर्स की मैं बात करूँ, ये 2 दिन का कोर्स रहेगा। अगर हमारा, मेरा जैसा किसी भी शहर में अगर वर्कशॉप हुआ है तो वो 2 दिन का रहता है। इसमें 1 दिन का समय है 4 घंटे और दोनों दिन का मिला के करीब 8 घंटे का समय रहता है। तो 8 आवर्स में ये वर्कशॉप हो जाता है जिसमें करीबन 14 पैटर्न्स में कवर करवाता हूँ, ओके? और उसमें इतने कॉन्सेप्ट तो सीखने वाले के क्लियर हो जाते हैं कि उसकी सहायता से वो दूसरी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक और मैं आपको इसका खास बेनिफिट दिखाऊँ, ये हम लोग रंगोली में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 3D रंगोली भी बनाता हूँ, ओके? तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ये रंगोली आपको ऐसा लगेगा ये तीनों मैच बॉक्स एक ही टाइल पर रखी हुई, ओके? तो यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा रंगोली पाउडर से बना हुआ है, तो ये आपको ऐसा स्टैंड दिखाई देगा, जमीन के ऊपर रखा हुआ सा दिखाई देगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अल्फाबेट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको जमीन पे बनाना चाहें तो ये और अच्छे दिखेंगे। क्योंकि 3D में सबसे अच्छी बात या सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो भी हम लोग देख रहे हैं, अगर वो एक प्लेन सरफेस होगा इस टाइप से, तो हमें देखने में समझने में बहुत आसानी हो। कभी भी हमें 3D को ऐसा नहीं देखना है कि जैसा हम लोग आईना देखते हैं घर में, राइट? हमें इसको ऐसा फ्रंट से कभी नहीं देखना है, हमें हमेशा ऐसा देखना है इसको कि ये इस टाइप से नजर आया और इसका जो थर्ड एक्सिस है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे, ओके? तो ये रंगोली में सबसे अच्छा नजर आता है। तो 3D कैलीग्राफी का एक ये दूसरा बेनिफिट भी है, वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ओके? सर, जैसे मेरे को बेसिक 3D कैलीग्राफी पैटर्न्स आते हैं, जैसे स्पाइरल पैटर्न और बॉक्स पैटर्न वगैरह, तो कुछ एडवांस में भी आप कराते हो? एडवांस में भी मुझे करना है, क्योंकि ऐसे लगभग पैटर्न्स तो बहुत है। जब मैंने 2016 में सिखाना चालू किया था तो तब से अभी तक मेरे करीब ऐसे मैंने काउंट भी नहीं किए, इतने सारे पैटर्न्स मैंने कवर किए हैं, लेकिन इसका एडवांस कोर्स अभी तक मैं इंट्रोड्यूस कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि जब भी मेरा क्लास हुआ है वो बेसिक में ही नए स्टूडेंट मिलते गए। सर, आप अपनी कोई डिस्प्ले शीट्स दिखा सकते हो जो आप पैटर्न्स क्लास में कराते हो? क्लास में अभी तो मेरे पास मैम वो नहीं है, लेकिन आपको फ्लायर में जरूर ऋतु जी के थ्रू भेज देंगे या इमेजेस हम लोग आपको जरूर भेजेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को वर्क रहेगा, वो आप देख सकते हैं। और ये जो कोर्स की शुरुआत की थी मैंने, तो तब से 2016 से अभी तक काफी चेंजेस आए हैं, तो हो सकता है कि जो आप पैटर्न आपने जो सीखे हैं, ओके, हाँ जी, उसमें और अभी में काफी चेंज आया, क्योंकि 2016 में मैंने इसकी शुरुआत करी थी, उससे तब से और अभी में काफी चेंज आ गया है। फी स्ट्रक्चर कह रहे थे, वो डिटेल भी हम लोग आपको मैम शेयर कर देंगे जैसा भी रहेगा। क्लासेस के लिए एरिया क्या है? एज ग्रुप? एज ग्रुप नहीं, एरिया मींस कहां पे लोकेटेड, कहां है आपका? वो देखिए, मेरा क्या है कि मैं मेरा क्लासेस अलग अलग शहरों में होता रहता है, ऐसा कोई जगह फिक्स नहीं है। दिल्ली में? अगर आप दिल्ली में भी मेरे पहले क्लासेस हुए हैं अलग अलग लोकेशन पर, इस बार भी हम लोग जल्द प्लान करेंगे, हो सकता है कि अगले महीने तक एक क्लास दिल्ली में जरूर हो, तो वहां पर भी हमको करना है। तो तभी पता चलेगा वेन्यू कहां रहेगा, है ना? हाँ, तभी पता चलेगा, वो आपको सारी डिटेल्स वो आपको पता चल जाएगी, ऋतु जी के थ्रू पता चल जाएगी, तो हम लोग एक क्लास जरूर करेंगे। स्ट्राइप पे जो है राइटिंग करती हूं, सिखाती ये बच्चों को, तो ये जो है 2D में रहता है ना? ये देखिए, ये जो आपने जो आगे LOV लिखा हुआ है, राइट, वो 2D है,
एक प्रकार से, लेकिन आपने जो पीछे उसको आगे की तरफ लेके गए सारी लाइंस को, उसका प्रोजेक्शन जो पीछे की तरफ बनाया है उसको थ्री डायमेंशन दिया है आपने, तो वो थ्री डायमेंशन है। लेकिन इसको जो देखना है आपको, तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही आपको ये एग्जैक्ट दिखेगा, अगर आप इसी चीज को करीब से देखोगे। हाँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि इसका एक फोकस पॉइंट होता है किसी भी चीज को देखने का, तो उतनी दूरी तो आपको बना के रखनी होगी, कम से कम आप इससे 50 सेंटीमीटर दूर से अगर आप इसको देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। ओके, जितना कैमरा के आप नजदीक लेके जाओगे उतना उसका जो डायमेंशन होगा वो इस टाइप से फैलता है, राइट। जैसे आप थोड़ा दूर जाएंगे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगी, वो आपको एग्जैक्ट उठा हुआ दिखाई देगा, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स कर चुके, मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था और ये मैंने लर्न किया था जब खुद स्कूलिंग में थी। राइट राइट, ओके। लॉकडाउन में मैंने खुद से इसको ट्राई किया दोबारा, तब अब मैं अब तक जो है 35-40 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ ये। हाँ, तो इसमें बहुत है मिस करने के लिए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मीटिंग एंड होने में 5 मिनट रह गए हैं, तो इसके बाद आप ना रीज्वाइन कर सकते हो मीटिंग को, मीटिंग को आप रीज्वाइन सेम लिंक से आप रीज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सर आपकी जब भी नेक्स्ट दिल्ली में क्लासेस होगी तो उसकी डिटेल जरूर देना। दिल्ली में होगी क्योंकि मैं ये कोविड के पहले मेरी क्या काफी क्लासेस हुई है, मैं इतनी होती थी कि पूरा 365 डेज मेरा काम चलता था, लेकिन अभी कोविड के बाद में थोड़ा कुछ मेडिकल इश्यू हो रहा था, इसके कारण मैंने फिर अभी थोड़ी क्लासेस बाहर की बंद करी है, कम किया है, लेकिन फिर से वो धीरे धीरे फिर से स्टार्ट होगा। ओके सर, आप कहाँ पे हैं, मीन्स आपका रेजिडेंस? मैं वैसे इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर शहर से हूँ जी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। सर आप अपनी पिक जरूर शेयर करिएगा जो भी आप पैटर्न्स कराते हो उसके। राइट, जो भी रहेगा आपको जरूर एक फ्लायर के साथ में इमेजेस आपको शेयर की। हाँ जी सर। और हम लोग शायद जल्दी प्लान करेंगे अगले महीने, दिल्ली में प्लान करेंगे, दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली की बारिश होने के पहले कोशिश करेंगे कि हो जाए। ओके सर। अच्छा है। जी जी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और मुझे ऐसा कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्लियरिटी नहीं थी। तो आपने जो अभी क्या आप मुझे फिर से एक बार जल्दी से एक रिपीट कर सकते हो, जिससे मैं सिर्फ एक ग्लांस देखना चाहती हूँ आपका जो आपने वर्क शो किया है, एक सेकंड के लिए बस अगर। ओके 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 सर, मैंने कुछ सैंपल्स दिखाए थे ये कि 3D कैलीग्राफी के हैं। ओके अच्छा, तो इसमें मैंने यही बताया था कि शेडो के जरिए हम लोग किसी भी अल्फाबेट को पेपर के ऊपर उठा हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट की मैंने लॉजिक बताया था। और जैसे ये ब्रश पेन कैलीग्राफी हुआ तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फाबेट्स को ऐसे उठे हुए दिखा सकते हैं, ऐसा लगेगा पेपर के ऊपर रखे हुए हैं। ओके अच्छा, बस इसको सही एंगल से देखना और इसका फोटो क्लिक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये 3D में बनाने के साथ साथ में इसको इसका इमेज क्लिक करना और सही एंगल से देखना, ये भी एक अलग कला है। करेक्ट, इसके बारे में भी जी, एक तरह से हम लोग चाहे ऑब्जेक्ट बनाए। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ, अगर आप इनके ड्राइंग देखेंगे, देखिए जैसे आप ये देखते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मैंने एक शेडो अप्लाई किया है। शेडो अप्लाई करने से आपको ऐसा लगेगा कि पेपर के ऊपर रखा हुआ है, और डिस्टेंस के बीच में पेपर और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एक थोड़ा गैप, और ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा हल्का शेडो अप्लाई किया है। जी समझ गई। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना हमको। और अल्फाबेट क्या होता है ना कि हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमको सीखने में शुरुआत करने के लिए अल्फाबेट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इस टाइप की ड्राइंग में डायरेक्ट पिच करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत अगर हम लोग अल्फाबेट से करें तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ये 3D ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, पेपर के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, राइट? ये ऐसा रहेगा। सर आपके सेशन के चार्जेस क्या बोल रहे हैं
वो मैम आपको सारी जो डिटेल रहेगी वो जैसे फाइनल होता है तो आपका सारी डिटेल्स ये रितु जी के थ्रू मिल जाएगी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, नेक्स्ट मंथ तक होगा वर्कशॉप और जैसे फाइनलाइज अच्छा। होता है वेन्यू के साथ में सारी जो डिटेल्स रहेगी टाइमिंग भी, दो दिन का वर्कशॉप रहेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भी है। आई थिंक टाइम पूरा हो गया, फिर से ज्वाइन कर सकते हैं सर। आपसे वो पूछ रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेंगे क्या सर की पिक्चर? हाँ सर, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी रहेगा क्या? नहीं अभी तो ऑफलाइन रहेगा, अगर कोई ऐसा ग्रुप बनता है तो हम लोग फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर आप दिल्ली शहर में हैं तो हम लोग ऑफलाइन ही रखें। ओके, बिकॉज़ लास्ट जो ऑनलाइन से चल रहे हैं तो ऑफलाइन इज बेस्ट। हाँ, ऑफलाइन में बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि जैसे सपोज कोई थ्री ड्रॉइंग है तो उसको आप ऐसा प्रैक्टिकली आप देखोगे सामने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये कैमरा में तो आपको मेरा चेहरा भी थोड़ा अलग दिखाई देगा, असल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ड्राइंग का भी यही रहता है, अगर मैं 3D ड्राइंग को अभी दिखाऊंगा तो आपको बहुत अलग दिखाई देगा, लेकिन असल में जब हम लोग बनाते हैं वो सामने चीजें दिखती है तो वो थोड़ा अलग होता है। बराबर। तो ऑफलाइन का, ऑफलाइन सीखते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट है, प्रैक्टिकली हमें समझ में आता है कि हमारी गलतियां क्या है। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच आपका समय आप देने के लिए हम लोग को। ओके मैम, धन्यवाद मैम। अच्छा लग जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप सभी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।